अपने अपनी कलाकारी से, अपनी अदायगी से सबको जीतते रहो, सबका दिल जीतते रहो, और ऐसा ही करते दोनों खेमे में खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। हालांकि पंजाब के देश थोड़े से निराश जरूर है, मगर चाहेंगे कि वहां पर भी थोड़ी सी खुशी की लहर दौड़े। संधू वो काम कर सकते हैं। जी हाँ, प्रिंस को भी जरा मौका मिल तो जाए नाचने का, फिर आप देखेंगे जलवा। रोडीज में तो देख ही चुके हैं उनका जलवा। हार्डी संधू किसको नहीं नचाते हैं आप बताइए। कर्नाटका बुलडोजर्स बहुत तगड़े हार्डी भी रहे, कर्नाटका के आइकन के चसदीप, उनकी उम्मीदें टिकी हैं अब कृष्णा पर और प्रदीप पर। फिलहाल थोड़ी सी गेंद झूल रही है, लेकिन इसको गैप में भी तो करारा शॉट मारा है। वाले हैप्पी हैप्पी चौका, झूम उठे हैं गोल्डन स्टार, झूम उठे हैं वहां पर चीयरलीडर्स भी, जो आईडी 247 द्वारा पावर किए गए हैं। 823 रिप्ले देख लीजिए एक और बार, ब्यूटीफुल शॉट इंडीड। और ऐसे आउटफील्ड में तो आपको आपके वैल्यू फॉर शॉट्स तो मिलेंगे ही। बहुत मजेदार इनिंग्स बना दिया है कर्नाटका बुलडोजर्स के खेमे ने, नए नए स्टेप्स भी निकाल दिए हैं। कोरियोग्राफर्स अगर देख रहे हो तो फिर आपके लिए भी यहाँ कुछ है। हार्डी संधू के बारे में कहा जाता है क्रिकेटर बाय हार्ट है ये, और सिंगर बाय प्रोफेशन है, और अच्छी क्रिकेट खेली है इन्होंने। अगर ये क्रिकेट खेलते रहते तो काफ़ी आगे तक जा सकते थे, मगर इन्होंने एक डिसीजन लिया क्योंकि वहाँ पर पंजाब में तो बहुत टफ कंपटीशन था, बड़े अच्छे तीन गेंदबाज थे वहाँ पर, और खासकर नॉर्थ में भी बड़े अच्छे गेंदबाजी हो रही थी, तो उसके बाद इन्होंने फैसला किया कि मैं सिंगर बनूंगा, और फिर सिंगल में तो आपने कमाल ही कर दिया है। बहुत अच्छी अभी भी देखिए उनकी गेंदबाजी की जो लय है, एक अच्छे बॉलर की निशानी है। जी हाँ, एक वक्त ज़रूर आया ज़िंदगी में जहाँ पर बैट को चुनना था या फिर गिटार को। ओह ब्यूटीफुल शॉट, इस बार बस प्लेसमेंट में किया था कॉन्सेंट्रेट, और पाले हैप्पी हैप्पी चौका पाते हुए। आरडी साधु ने भी एंजॉय किया उस शॉट को, क्योंकि आसान था नहीं ये शॉट। और इस गेंद पे अगर ऐसा शॉट खेल जाओ तो बहुत ही बढ़िया लगता है, क्योंकि कवर पे खेला गया, आगे आके खेला था स्ट्रोक को, और पूरा स्विंग को नेगेट किया वहां पर, और कवर बाउंड्री के बाहर निकाल दिया, एक्सेप्ट कवर बाउंड्री के बाहर जा रहे थे। और देखिए कितनी खुशी है सुदीप के टीचर में, और बात कर रहे हैं गोल्डन बॉय से। हाली में खिंचा सदीप जी का विक्रांत रोना देख रहा था। विक्रांत रोना मुझे बहुत पसंद आया था, खासकर वो दो तीन फाइट सीक्वेंसेस जिसको देख के मुझे ऐसा लगता है वैसे ही रिफ्लेक्सेस इनके यहां पर भी हैं, कीपिंग करते हुए। और यहां पर रन चुराना चाहते हैं, लेकिन मेमो थोड़ा सा लेट मिला था कप्तान प्रदीप को। एक क्षण के लिए बोल बैठे थे कृष्णा से आप यहां, और देखिए नो बॉल का इशारा भी आता है अंपायर का, शायद गेंद काफी आगे निकल गए थे, और एक फ्री हिट मिलेगी वहां पर, और शायद कप्तान रन लेना नहीं चाहते थे, और थोड़ी सी वहां पर आपस में बातचीत करते हुए दोनों ही खिलाड़ी, पंजाब के कुछ खिलाड़ी अंपायर के साथ और कप्तान के साथ, और अंपायर ने बीच में इंटरवीन किया है। और देखिए हार्डी संधू जानते हैं कि क्रिकेट को किसे खेला जाता है, और ये फ्री हिट का इशारा आता हुआ अंपायर का। 35 रन बन चुके हैं, तीसरा ओवर चल रहा है, तो एक बहुत बढ़िया शुरुआत कही जा सकती है, मात्र अब 55 रन दूर रह गए हैं। देखिए विकल्प जरूर होता है गेंदबाज के लिए शॉर्ट बॉल, लेकिन नियम ऐसे हैं सीसीएल के कि आप करा नहीं सकते हैं, उसी के चलते यहाँ नो बॉल दिया गया। और इसका मतलब ये भी कि कृष्णा को मिल चुकी है एक लाइसेंस शॉट लगाने की, क्योंकि आउट नहीं माने जाएंगे। हालांकि एक रन जरूर चुराया गया, इसलिए हार्डी संधू भी अपने फील्ड की सजावट बदल सकते हैं, इसलिए वो बदल रही हैं, बिल्कुल बदल रहे हैं फील्ड को। पर उस वक्त तीन खिलाड़ी को पीछे कर दिया गया है, मगर तीन खिलाड़ी बाहर नहीं रह सकते, तीस करके अभी पावर प्ले चल रहा है, तो कम से कम एक खिलाड़ी को तो अंदर आना पड़ेगा। और अब फाइन लेके खिलाड़ी को अंदर बुला लिया गया है, हार्डी संधू एक बार फिर। बहुत लंबा ओवर साबित हुआ है ये वक्त के हिसाब से, आखिरी गेंद थी नहीं, इसके बाद शेष आखिरी गेंद, दोनों रन चाहते थे लेकिन अलग अलग वक्त पर। हार्डी संधू देखिए उन्होंने फ्री हिट को तो सर्वाइव कर लिया है,
अब इस गेंद पे अगर किलिया उड़ाएंगे तो फिर बिल्कुल माना जाएगा। और वैसे भी ये स्टंप्स पर अटैक करना शुरू कर चुके हैं, क्या कह रहे हैं ये स्टंप से? जी हाँ, स्टंप पर अटैक किया था लेकिन संपर्क इतना तो था कि इसे चार तक भेज पाए। तीन ओवर बाद 39-0। और उन तीन ओवर में 39 रन बनाए हैं और पावर प्ले खत्म हो चुका है। पंजाब के फील्डर्स जो हैं अब 30 गज के दायरे के बाहर जा सकते हैं। तीन बाउंड्री राउंडर्स हैं लेग साइड पर, लॉन्ग ऑन, डीप इन विकेट, डीप स्क्वेयर लेग। और एक बार फिर बघेल ये उठा के खेला, ये एक मौका बन सकता है पंजाब के लिए, पंजाब के शेरों के लिए। और ये बड़ा आसान कैच छोड़ दिया और दूसरे रन के लिए पलट कर आ रहे हैं। पूरी निराशा पंजाब के खेमों में, फील्डर्स परेशान, गेंदबाज परेशान और ये फील्डर थे वहां पर मयूर, जिनसे कैचेस छूटते नहीं है। पूरे टूर्नामेंट में दूसरी बार हुआ ये, छाती पे लगी गेंद और फिर नीचे छिटक गई। ये पकड़ी जानी चाहिए थी, इसी की तो दरकार थी। पहला विकेट, पहला सफलता आते आते रह गया, देख सकते हैं निराशा। इस बार भी बल्ले में चढ़ी नहीं थी गेंद, एक रन ले ही लेंगे प्रदीप। राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन ने जो दमखम रखा है और जो तहलका मचा रखा है इस पूरे प्रतियोगिता में, दांत देनी पड़ेगी कृष्णा प्रदीप दोनों। कृष्णा की एक शानदार हाफ सेंचुरी भी ये जो उन्होंने लगाई थी हाल ही में, और बच्चन की वो फिनिश कौन भूल सकता है बेंगलोर के चिन्न स्वामी मैदान में। पूरी तरीके से भरी हुई स्टेडियम, एक ही नारा उस पर कि चसुदीप कर्नाटक बुलडोजर्स के, कि चसुदीप के लिए इतना प्यार, और उस प्यार के बारे में जितना कहे उतना कम है। और ये करारा थप्पड़ है, इस बार कोई मौका नहीं। कृष्णा के बल्ले से आता हुआ पाले हैप्पी हैप्पी छक्का। ये देखिए डांस, बहुत बढ़िया डांस गोल्डन स्टार गणेश द्वारा, और ये चीयर लीडर्स है पावर्ड बाय आईडी 247। उच्चा सिद्दीप भी डांस कर रहे हैं और गणेश तो आज सबको ही नचा रहे हैं, और नचा रहे हैं अंदर वाले एक बल्लेबाज जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर थप्पड़ मारा उन्होंने, जैसे कहते हैं चाटा मार के शॉट मारा जाए बैक टू द बॉलर। और अब फॉर्म में नजर आ रहे हैं, 25 रन बना चुके हैं 11-2 पर और स्कोर बन चुका है 52, और एक बड़ी जीत की अग्रसर होती हुई। ये देखिए चीयर लीडर्स भी किस तरह से डांस करवाते हुए दोनों ही टीमों को। 8-3 रेट ले देख लेते हैं, 50 की साझेदारी भी पूरी होती है। ओपनिंग स्टैंड में कृष्णा ने पूरी जान झोंक दी थी इस पर, और आप प्रोट्रैक्टर लेके देख लीजिए, इससे सीधा शॉट कभी मारा ही नहीं गया था। इस बार मौका बना है, ये कैच पकड़ी जाएगी क्या? नहीं, युवराज उसके नीचे और फिर गेंद उससे भी नीचे,
दूसरी बार कैच छूटी है इस ओवर में। डू और डाई मैच है ये पंजाब दे शेर के लिए। ढूंढ रहे हैं मोमेंटम, मौके बना रहे हैं बब्बल राय, लेकिन इस वक्त मक्खन लगे हुए हैं सभी के हाथों में। देख रहे हैं आप बटर फिंगर्स, और बॉलर क्या कर सकता है इससे ज्यादा। दो दो आपको जीवन दान देने पड़ रहे हैं और पंजाब के शेर बिल्कुल ढेर होते नजर आ रहे हैं। कृष्णा हो या प्रदीप हो, दोनों की इंश्योरेंस इतनी अच्छी है कैचेस के खिलाफ। और ये छक्का रहेगा, ये शानदार छक्का है, फिर से सीधे बल्ले से, फिर से उसी क्षेत्र में। चार ओवर की समाप्ति, 59 बिना कोई नुकसान के।